ओके जी, टुडे हावर टॉपिक इज IUBMB सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमें पता है IUBMB स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, हमने कल कुछ इस बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था और आज हम फर्दर इसको स्टडी करने लगे हैं। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि IUBMB जो हमारे पास बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हमारे पास 1964 में हमारे पास बनाई गई। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास इससे पहले जो एंजाइम्स का नाम आ रहे थे वो सारे ट्राइबल नेम्स आ रहे थे। ठीक है, और उन ट्राइबल नेम्स का सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि हमारे पास सिंगल एंजाइम के मोर देन टू सबस्ट्रेट्स हो रहे थे, या फिर हमारे पास सिंगल सबस्ट्रेट के लिए मोर देन टू एंजाइम्स की हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो रही थी, डिस्कवरी हो रही थी। तो तब तक जो ट्राइबल नेम्स थे वो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस थे। जिस तरह हमने कहा पेप्सिन, जिसका काम डाइजेशन में होता है, उसी तरह हमारे पास ट्रिप्सिन एक एंजाइम आता है, उसका काम भी हमारे पास डाइजेशन में होता है। तो हमारे लिए साइंटिस्ट के लिए ये चीज मेमोराइज करना या उनको डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट हो रही थी कि हमारे पास कौन सी चीज ऐसी है जो कि हमारे पास डाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो लेटर ऑन जब उनकी स्टडी की वो दोनों डिफरेंट चीजें थी तो उनको कॉमन नेम वो दे नहीं सकते थे। तो वहां से हमारे पास IUBMB सिस्टम की हमारे पास रिक्वायरमेंट आई और वहां से हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हमारे पास बुनियाद पड़ी। लेटर ऑन इसको मॉडिफाई किया गया इन 1972 एंड 1978 में। ठीक है, और हमारे पास वहां से एक नॉमेनक्लेचर हमारे पास एंजाइम्स का प्रॉपर हमारे पास बनाया गया। बेसिकली हमारे पास इट इज कॉम्प्लेक्स एंड जो है हमारे पास सिस्टम है, मगर क्या है, ये अनएम्बिगुअस है। अनएम्बिगुअस क्या मतलब जी, कि इसमें से हमारे पास जो जितनी गलतियों की गुंजाइश थी, जो पहले हमारे पास एम्बिगुइटीज आ रही थी, वो कम थी इसके अंदर। ठीक है, अब क्या था कि हम पहले भी इसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये एंजाइम्स जितने भी थे उनको एक ईसी नंबर दिया गया जिसको हम एंजाइम क्लास नंबर बोलते हैं, और ये हमारे पास 4 डिजिट्स पे हमारे पास मुश्तमिल होता है। फर्स्ट डिजिट जो है हमारे पास वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड डिजिट हमारे पास सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड डिजिट सब सब क्लास और सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फोर्थ जो हमारे पास होता है वो पर्टिकुलर एंजाइम जो कि हमारे पास मौजूद है या फिर हमारे पास एक्सेप्टर जो है हमारे पास उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो IUBMB ने सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन की उसके अकॉर्डिंग उसने जितने भी एंजाइम्स थे उनको अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन 6 डिफरेंट क्लासेस में हमारे पास डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहली जो क्लास थी वो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस थी, सेकंड क्लास ट्रांसफीरेजेस थी, थर्ड क्लास हाइड्रोलेजेस थी, फोर्थ क्लास लाइगेजेस थी, फिफ्थ क्लास आइसोमेरेजेस थी और सिक्स्थ क्लास लाइगेजेस थी। रिमेम्बर, यहाँ पे याद रखने की जो चीज है वो ये कि ये 6 की 6 क्लासेस जितनी भी हैं ये सारी की सारी हमारे पास किसके अकॉर्डिंग है, हमारे अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग है, कि जो एंजाइम्स जो फंक्शन करते थे उनको उस क्लास में रख दिया गया, फिर उनको फिर फर्दर आगे डिवाइड किया गया और उनको सब क्लास में डिवाइड किया गया, सेपरेट सब क्लासेस बनाई गई अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अगर उनके फंक्शन में कोई डेविएशन आ रही थी, और फिर भी अगर कोई डेविएशन आ रही थी फिर सब सब क्लास या सब ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया। तो इस तरह से हमारे पास एंजाइम्स जो हैं जो कि सिमिलर फंक्शंस रखते थे वो सारे के सारे हमारे पास एक जगह पे आ गए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्लास, दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस क्या है, वर्ड ऑक्सीडो रिडक्टेज 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। तो पहली चीज हमारे पास जो याद रखनी है वो ये है, दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम विल कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस? तो हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन की तरफ जाना है कि वो होते क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर ऑक्सीडेशन की, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है जी, हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अगर हम बात करते हैं उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जबकि हम अगर बात करते हैं रिडक्शन की, ठीक है, तो वो इसके ऑपोजिट हो जाता है। वहां पे क्या है, एडिशन किसकी है, हाइड्रोजन की है, ठीक है, एडिशन किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है, जबकि हमारे पास क्या होता है, रिमूवल किसका होता है, हमारे पास ऑक्सीजन का होता है। तो ये आपके पास पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है,
अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करवाते हैं मीन के जब भी वो ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं या रिडक्शन करवाएंगे, मगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इस एंजाइम का नाम सिर्फ ऑक्सीडेज नहीं है, इस एंजाइम का नाम सिर्फ रिडक्टेज नहीं है, इसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एट अ टाइम दोनों काम करेंगे, कभी भी ये नहीं होगा ये सिर्फ ऑक्सीडेशन करवाएं ये सिर्फ रिडक्शन करवाएं। तो ये एट अ टाइम जब दोनों काम करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे हमारे पास एक सब्सट्रेट की, ऑक्सीडेशन ऑफ वन सब्सट्रेट विद अ सिमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सट्रेट। तो हमारे पास विद इन दैट सेम टाइम ये क्या करेंगे, दूसरे सब्सट्रेट को या फिर वो कोएंजाइम भी हो सकता है उसकी रिडक्शन करवाएंगे। तो ये कभी भी हमारे पास सिंगल काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके पास इनकी आगे सब क्लास सिर्फ ऑक्सीडेज आ जाती है, ऑक्सीडेजेस आ जाती है, वो सिर्फ ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जो रिडक्टेजेस की इनकी सब क्लास आगे आ जाती है वो सिर्फ हमारे पास रिडक्शन करवाएंगे, वो फिर सिमल्टेनियस काम नहीं करेंगे। मगर कोई एंजाइम अगर ऑक्सीडो रिडक्टेज है स्पेसिफिकली तो वो हमारे पास सिमल्टेनियसली दोनों काम करवाएगा, मीन एक सब्सट्रेट की हमारे पास वो ऑक्सीडेशन करवाएगा और दूसरे सब्सट्रेट की वो हमारे पास क्या करवाएगा, रिडक्शन करवा देगा। अब अगर हम बात करते हैं तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट थी AH, ठीक है, और दूसरी प्रोडक्ट थी सिर्फ B। अब क्या हुआ कि हमने क्या कहा कि ऑक्सीडेशन का रूल क्या है, तीन हमारे पास रूल्स हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास क्या हुआ जब हमने इसके प्रोडक्ट्स देखे तो हमारे पास क्या हुआ कि प्रोडक्ट ए में, रिएक्टेंट ए में से हमारे पास दो हाइड्रोजन निकल गए और वो हमारे पास किसके पास चले गए, प्रोडक्ट बी के पास चले गए, ठीक है, और वो BH2 हो गई। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि ए के अंदर हमारे पास क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि देयर आर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट बी है उसके अंदर हमारे पास क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, बिकॉज देयर इज एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, सिमल्टेनियसली दोनों काम हुए हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ है या और दूसरा हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मीन ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है। इसकी कॉमन एग्जांपल है हमारे पास अल्कोहल को, हमारे पास NAD पॉजिटिव क्या है, हमारे पास कोएंजाइम है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास उसकी रिडक्शन भी हो सकती है। अल्कोहल में से हमारे पास क्या हुआ, दो प्रोटॉन जब रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, एक प्रोटॉन ये है और दूसरा ये, तो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारे पास एल्डिहाइड में, और एज अ रिजल्ट इसकी क्या हो गई, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गई, जबकि NADH क्या हो गया, हमारे पास रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। क्यों अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कहा गया है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन का रिमूवल करवा रहा होता है, और इसका AC नंबर अगर हम बात करें तो हमारे पास वो है 1.1.1.1 IUB नेम इसका, जबकि हम इसको हमारे पास इसी नंबर और IUB नेम इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका बना अल्कोहल NAD ऑक्सीडो रिडक्टेज, किसने ऑक्सीडेशन भी करवाई है और इसने रिडक्शन भी करवाई है, और किसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाई है, अल्कोहल और NAD की करवाई है, ठीक है। इसकी फर्दर सब क्लासेस हैं हमारे पास इस क्लास की, और वो है हमारे पास डिहाइड्रोजिनेजेस जिसकी हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल देखी, ऑक्सीडेजेस हैं, रिडक्टेजेस, पर ऑक्सीडेजेस, कैटालेजेस, ऑक्सीजनेजेस और हाइड्रोलेजेस, ये इसकी फर्दर सब क्लासेस हैं। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजनेजेस क्या हैं, ये इनकॉर्पोरेट करवाती हैं ऑक्सीजन इनटू द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स, ठीक है। परऑक्सीडेजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास रिडक्शन करवाती हैं हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड की एंड हाइड्रो परऑक्साइड्स की। रिडक्टेजेस की अगर बात करें तो हमारे पास ये कैटालाइज करवाते हैं रिडक्शन रिएक्शंस, डिहाइड्रोजिनेजेस हमारे पास ट्रांसफर ऑफ वन आर मोर हाइड्राइड आयन करवाते हैं, ऑक्सीडेजेस हमारे पास ऑक्सीजन इज द हाइड्रोजन आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये दो चीजों को यूज करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर, ठीक है। और हाइड्रोलाइजेस जो आ जाते हैं ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास हाइड्रो रिप्रेजेंट ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप को करवा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, एड करवाते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू द सब्सट्रेट। तो ये हमारे पास स्पेसिफिकली सिक्स क्लासेस बन जाते हैं हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की। सेकंड क्लास अकॉर्डिंग टू IUB सिस्टम उन्होंने हमारे पास एंजाइम्स की बनाई, जिसको जिसमें उन्होंने उन सारे एंजाइम्स को रखा जो कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप में इन्वॉल्व हैं, तो उनको उन्होंने नाम क्या दे दिया जी, ट्रांसफीरेसेस, ठीक है। अब क्या हुआ, दिस क्लास ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ वन ग्रुप अदर देन द हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट के सिवाय हाइड्रोजन के, ठीक है, वो हाइड्रोजन का ट्रांसफर नहीं करवाएंगे, अगर वो हाइड्रोजन करवाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। तो हमारे पास अदर देन हाइड्रोजन ये हमारे पास अगर कोई ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करवाता है तो सच टाइप ऑफ एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, हमारे पास ट्रांसफीरेजेस कहते हैं। और उसको रिप्रेजेंट किया गया है जी कि हमारे पास एक रिएक्टेंट था AR, दूसरी था B, तो हमारे पास क्या हुआ, R ग्रुप हमारे पास किसको ट्रांसफर हो गया, B को ट्रांसफर हो गया है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनी है AND BR। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर टर्म्ड एज ट्रांसफीरेजेस, जिसमें हमारे पास ग्रुप का ट्रांसफर होता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट को। इसकी कॉमन एग्जांपल
वाले हेक्सोसिस होते हैं हमारे पास, उनके जब रिएक्शन होता है एटीपी के साथ, तो हमारे पास एक फॉस्फेट हमारे पास एटीपी से ट्रांसफर हो जाता है हमारे पास किसके पास, हेक्सोज के पास, तो वो बन जाता है हेक्सोज 6 फॉस्फेट। और इस पूरे रिएक्शन को कौन करवा रहा होता है, हेक्सोकाइनेज। मगर हेक्सोकाइनेज क्या है ये याद रखना है, ये हमारे पास क्या है, ट्राइबल नेम है, ये कॉमन नेम है, जबकि इसका सिस्टमैटिक नेम जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू आईयूबी हमारे पास क्या आ जाता है, वो है एटीपी हेक्सो 6 फॉस्फेट ट्रांसफरेज। तो मीन क्या हुआ कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है किससे, एटीपी से हेक्सोज को, ठीक है। और वो किस पॉइंट पे जाके लगा है, हमारे पास 6th कार्बन के ऊपर जाके लगा है। तो ये हमारे पास जो आईयूबी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास एंजाइम को नाम दिए गए, ये हमारे पास क्लियर कट रिएक्शन की पिक्चर दे देते हैं कि हमारे पास हुआ क्या है। अगर हमारे पास ऊपर रिएक्शन ना भी होता तो हम अकॉर्डिंग टू दिस एंजाइम हम ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते थे जी कि हमारे पास फॉस्फेट का ट्रांसफर हुआ है किससे, एटीपी से हेक्सोज को, और हेक्सोज के 6th कार्बन के ऊपर जाके वो अटैच हुआ है, ठीक है। इस ट्रांसफरेज़ की क्लास की हमारे पास सब क्लासेस ट्रांस एल्डोलेज है, ट्रांस कीटोलेज, एसाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप की जिनमें ट्रांसफर होती है उन एंजाइम्स को इस ग्रुप में रखा गया है, ग्लाइकोसाइल काइनेजेस, फॉस्फोट्रांसफरेजेस एंड फॉस्फोम्यूटेजेस एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास क्या है, इसकी सब क्लासेस है। अगर हम कॉमन यहाँ पे रिएक्शंस देखें हैं तो हमारे पास एक रिएक्शन, हम ये हेक्सोकाइनेज अभी डिस्कस कर भी चुके हैं मगर दोबारा से बताता हूँ, ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, जबकि हमारे पास हेक्सोकाइनेज ने ये वर्क किया तो उसने क्या किया, एटीपी से हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ट्रांसफर कर दिया है 6 कार्बन ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, जबकि हमारे पास एज अ रिजल्ट एक एडीपी की प्रोडक्शन हो गई है। इसी तरह से हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसमें हमारे पास दो चीजें बन रही हैं, एक हमारे पास ये 6 कार्बन शुगर है, ठीक है, और इसका हमारे पास रिएक्शन हुआ है हमारे पास एक 3 कार्बन शुगर के साथ, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ है, ये टॉप के 3 कार्बन जो है हमारे पास जो है ट्रांसफर हो गए हमारे पास इस 3 कार्बन को, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास अनदर 6 कार्बन कंपाउंड की प्रोडक्शन हुई है और हमारे पास यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड की प्रोडक्शन होगी। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हमारे पास ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप्स का प्रोसेस हो रहा होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरेजेस कह रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो क्लास 3 हाइड्रोलाइसिस आ जाता है, तो क्लास 3 हाइड्रोलाइसिस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज मीन ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। कौन कौन से बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, ईथर बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे बताता जाऊँ तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है हमारे पास आ जाता है बिटवीन अमीनो एसिड्स, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारे पास आ जाता है बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, और ईस्टर बॉन्ड हमारे पास इन फैटी एसिड्स पाया जाता है। तो हमारे पास बाय द एडिशन ऑफ वाटर वहां पे क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस किया जाता है, और वो कौन से एंजाइम करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली जो आपस में बाइंड अप होते हैं, तो एक है हमारे पास एसिटाइल ग्रुप है, दूसरा हमारे पास कोलिन ग्रुप है। जब भी हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर वाटर की एडिशन होती है तो एसिटाइल ग्रुप और कोलिन ग्रुप दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है कोलिन प्लस एसिटेट। और इसमें ग्रुप प्रोसेस में एंजाइम जो इन्वॉल्व है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है, और इसका अनदर नाम भी है एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलेज, ठीक है, जो कि सिस्टमैटिक नेम है इसका। अब क्या होता है कि जितने भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी एंजाइम है, आपको थर्स्ट क्यों फील हो रही होती है, आप खाने के साथ पानी क्यों पी रहे हो, इसकी वजह यही है कि आपके पास जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं वो हाइड्रोलाइसिस होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस हैं तो उनको वाटर रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो हमारे पास ये रिएक्शंस कर सकें और बॉन्ड ब्रेकिंग कर सकें, और हमारे पास पॉलीमेरिक फॉर्म से हमारे पास उसको मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। सब क्लासेस उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जिसमें जी स्ट्रेसेस हैं, ग्लाइकोसाइडेसिस हैं, पेप्टिडेसिस हैं, फॉस्फेट टेजेस हैं, थायोलेजेस हैं, फॉस्फोलाइपेजेस, अमाइडेजेस, डीएमिनेजेस एंड राइबोन्यूक्लियेजेस, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास जो थर्ड क्लास है हाइड्रोलेजेस, एज वी ऑल नो दे कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब हमारे पास ये दो प्रोडक्ट हैं, ये हमारे पास पायरोफॉस्फेट का की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जब वाटर की एडिशन होती है तो हमारे पास क्या होता है, ये एंजाइम क्या है, पायरोफॉस्फेटेज। पायरोफॉस्फेटेज का काम क्या है जी, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना और पायरोफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देना सिंपल फॉस्फेट में। तो हमारे पास क्या होता है कि सिंपली क्या होगा कि वाटर हमारे पास कन्वर्ट होगा एच प्लस ओ एच नेगेटिव में, ठीक है, ये नेगेटिव है, ओके। अब क्या होता है कि एक ग्रुप को वो हमारे पास क्या प्रोवाइड कर देगा जी, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा इस साइड पे, ठीक है, और वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा पी डबल बॉन्ड ओ
OH, O negative, O negative. और दूसरे को वो हमारे पास क्या प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि उसके साथ ही ऑक्सीजन कंप्लीटली हट चुका है, तो वो हमारे पास उसको OH प्रोवाइड कर देगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा OH, P डबल बॉन्ड O, O O negative. तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गए हैं, दो फॉस्फेट प्रोड्यूस हो चुके हैं. ठीक है, और हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल स्ट्रेजेस, पेप्टिडेजेस और ग्लाइकोसाइडेजेस जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास फोर्थ क्लास हमारे पास IUBMB ने बनाई, जो कि हमारे पास क्या थी, लाइएजेस थी. लाइएजेस क्या है, दीज एंजाइम्स कैन रिमूव ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट और ब्रेक बॉन्ड टू मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलिसिस. ठीक है, अब क्या है लाइसिस का, लाइसिस वर्ड निकला है हमारे पास टू स्प्लिट से. ठीक है, लाइस करना, लाइसिस से निकला है टू स्प्लिट, स्प्लिटिंग करनी है. मगर क्या है कि हमारे पास अदर देन हाइड्रोलिसिस मीन एडिशन ऑफ वाटर नहीं होनी चाहिए वहां पे. अगर एडिशन ऑफ वाटर होगी तो वो हमारे पास थर्ड क्लास ऑफ एंजाइम में चला जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिसिस है, वो हमारे पास फोर्थ क्लास में नहीं रहेगा. तो इन्होंने स्प्लिटिंग करनी है, मगर वो स्प्लिटिंग क्या होनी चाहिए, अदर देन हाइड्रोलिसिस होनी चाहिए, हाइड्रोलिसिस. तो हमारे पास जब साइंटिस्ट इनको अकॉर्डिंगली हमारे पास सेपरेट कर रहे थे क्लासेस में, तो उन्होंने देखा कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास वाटर की मदद से हमारे पास स्प्लिटिंग कर रही है, तो उन्होंने उसको हाइड्रोलिसिस दे दिया. मगर उनके पास कुछ एंजाइम इस तरह से आए जो स्प्लिटिंग तो कर रहे थे, मगर क्या कर रहे थे, वो विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर कर रहे थे. तो उन्होंने कहा ये एक सिमिलर क्लास में नहीं आ सकते, तो उन्होंने उनको फोर्थ क्लास दे दी, लाइएजेस. अब इसको रिप्रेजेंट इस तरह किया गया कि एक रिएक्टेंट से ए और बी, और उनको रिएक्ट करवाया, जब किया गया उनको स्प्लिट करवाया गया, तो वो उन्होंने दो प्रोडक्ट्स बना दिए ए और बी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कॉमन एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस की है. ठीक है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बनाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, और इसमें हमारे पास हमें याद है कि एंजाइम कौन सा था, एल्डोलेज था. इस क्लास की सब क्लासेस जो है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेजेस, जो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करवाती हैं, एल्डोलेजेस जो कि हमारे पास अभी ऊपर प्रोडक्ट हुआ है जी, कि हमारे पास स्प्लिट करता है जो हमारे पास हायर कार्बन नंबर कंपाउंड्स को स्मॉलर कार्बन नंबर कंपाउंड में, हाइड्रोटेजेस हैं, डीहाइड्रोटेजेस हैं. ठीक है, और हमारे पास सिंथेटेजेस हैं और लाइएजेस हैं. अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो हमने अभी देखा कि एल्डोलेज किस तरह से काम कर रहा है. ठीक है, एल्डोलेज क्या करता है, हमारे पास ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है बेसिकली. तो हमारे पास हुआ क्या कि हमारे पास उसने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को यहां से स्प्लिट करना है. ठीक है, सेंटर में से, और 3 कार्बन ऊपर रह जाते हैं, 3 कार्बन नीचे रह जाते हैं, और एज अ रिजल्ट जो है ऊपर से इसने विदाउट एडिशन ऑफ वाटर काम किया. ठीक है, मगर यहाँ पे क्या हो रही होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साथ में हो रही होती है. ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन की एडिशन नहीं हो रही, सिंपल यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रही होती है. रीअरेंजमेंट किस तरह से हो रही है कि हमारे पास यहाँ से जो OH ग्रुप है ये हमारे पास ब्रेक होता है और ये एक हाइड्रोजन अपना ट्रांसफर कर देता है इस कार्बन को जो है, और एज अ रिजल्ट ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया. मगर ये ऑक्सीजन क्योंकि स्प्लिट हो गया था, तो कार्बन जो है हमारे पास जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके साथ बना के अपनी वैलेंसी जो है सेटिस्फाई कर देता है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है GAP ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. फिफ्थ क्लास ऑफ एंजाइम्स जो थी वो हमारे पास आइसोमेरेजेस थी, और दीज एंजाइम्स कैन प्रोड्यूस ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ सबस्ट्रेट. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास कि ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स भी बनाएंगे. मगर इससे पहले हमारे पास एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि आइसोमर्स हैं क्या. आइसोमर्स क्या है जी, कि हमारे पास दो कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स हु हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ठीक है, वो स्ट्रक्चरली के डिफरेंट हो सकते हैं मगर उनका फार्मूला जो है वो हमारे पास सेम होगा. ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है ए बी सी, उनकी रीअरेंजमेंट करके उसने जो है उसको आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बी ए सी. ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें वही 3 हमारे पास अल्फाबेट्स आ रहे हैं ए बी सी, तो हमारे पास ओवरऑल चेंज नहीं होता हमारे पास जो केमिकल फार्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती है. इसमें कॉमन है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो भी हमने प्रीवियस क्लास में भी हमने एग्जांपल देखी, और डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों हमारे पास क्या है, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, और ये एक दूसरे के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. अगर हम यहाँ पे देखते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट को, तो इन दोनों के अगर हम कंपाउंड्स को या केमिकल फार्मूला को निकालें तो हमारे पास ओवरऑल सेम अरेंजमेंट निकलेगी हमारे पास कंपाउंड्स की. तो हमारे पास केमिकल फार्मूला सेम निकलेगा बट डिफरेंट देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर्स हैं, इस वजह से हमारे पास क्या है, इनको आइसोमर्स कहा जाता है. जबकि इनकी सब क्लासेस रेसिमेरेजेस हैं, एपिमेरेजेस हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरेजेस हैं एंड म्यूटेजेस हैं. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आइसोमेरेजेस की हमारे पास जो एग्जांपल है, यहाँ पे आइसोमेराइजेशन रिएक्शन करवाते हैं, तो एल एलानीन को हमारे पास कन्वर्ट करना है डी एलानीन में.
एल और डी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाते हैं जी। क्यों ऑप्टिकल क्यों कहा जाता है इनको, क्या आपके पास इनको मिरर इमेजेस भी एक दूसरे का कहा जाता है। मिरर इस तरह से होता है कि आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो अगर आप अपना राइट हैंड उठाओगे मिरर में, आपको लगेगा कि उसने बंदे ने या आपकी जो इमेज है उसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है। जस्ट लाइक दैट इनकी भी अरेंजमेंट उसी तरह से होती है, जो कि जो हमारे पास डी जो है ये डेक्स्ट्रोमीन राइट होता है, जबकि हमारे पास लीवर जो होता है हमारे पास एल जो है लीवर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास दोनों फॉर्म्स में कन्वर्ट करना, हमारे पास एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसमें, उसको हम बोलते हैं एलानिन रेसिमेज, जो कि डी टू एल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और एल फॉर्म टू डी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है। लास्ट क्लास की तरफ मूव करते हैं लाइगेजेस। ठीक है, दीज एंजाइम्स लिंक टू सबस्ट्रेट टुगेदर, क्योंकि लाइगेजेस का काम होता है जोड़ना। दीज एंजाइम्स लिंक टू सबस्ट्रेट टुगेदर यूजली विद द सिमल्टेनियस हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, मगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है जी, एटीपी की होती है। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल को एक और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी थी, एटीपी। क्यों, एटीपी हमारे पास वो एनर्जी प्रोवाइड करती है जो कि हमारे पास इन दो कंपाउंड्स के दरमियान बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, जैसे कि एसिटाइल को ए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब इनका बॉन्ड वो एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है जब स्प्लिटिंग हुई है एटीपी की, तो इसके बॉन्ड टूटने की वजह से एनर्जी प्रोवाइड हुई है, तो ये दोनों आपस में बाइंड हो जाते हैं। वो एंजाइम उस एनर्जी को यूज करते हुए इनको बाइंड कर देता है और हमारे पास एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है मेलानाइल कोए, और इसमें हमारे पास जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है। ठीक है, अब कार्बोक्सिलेज है तो हमारे पास एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कार्बोक्सिलेशन किसकी होनी चाहिए, एसिटाइल कोए की होनी चाहिए। इसकी दो सब क्लासेस हैं, एक सिंथेटेसिस है और दूसरी कार्बोक्सिलेजेस है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि सिंथेटेसिस और सिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सिंथेसिस और सिंथेसिस दो वर्ड हमारे पास यूज हुए हैं, एक हमने पीछे इनिशियली यूज किया जी सिंथेसिस होता है, एक अभी हमने वर्ड यूज किया जी सिंथेटेसिस। तो सिंथेटेसिस आर एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम्स, जब भी ये चीज आएगी कि आपके पास सिंथेटेसिस क्या है, सिंथेटेसिस क्या है, एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है, कैटेलाइजिंग बायो सिंथेटिक रिएक्शन, दे बिलोंग टू लाइगेज सिक्स क्लास सिक्स फैमिली। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज जो अभी हमने देखा, ठीक है, अर्जिनिनो सक्सिनेट सक्सिनेट सिंथेटेज, पीआरपी सिंथेटेज एंड ग्लूटामिन सिंथेटेज। तो ये एंजाइम विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी कभी भी वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज सिंथेटेजेस। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास सिंथेसिस है, दीज आर द एंजाइम दैट कैन कैटलाइज द बायोसिंथेटिक रिएक्शंस बट दे डू नॉट रिक्वायर एटीपी। कि ये हमारे पास सिंथेसिस के रिएक्शन तो करवाएंगे मगर क्या है, हमारे पास ये उनको रिक्वायरमेंट नहीं है एटीपी, ये उसके अलावा भी काम कर सकते हैं, दे बिलोंग टू क्लास अदर देन लाइगेजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन सिंथेज एंड एलानिन सिंथेज। ठीक है, अब क्या है कि दोनों में हमें वर्ड की बेस पे डिफरेंस हो जाना चाहिए कि हमारे पास सिंथेटेसिस वो हैं कि ये वो एंजाइम है जो क्लास सिक्स से बिलोंग करते हैं और सिर्फ तब काम करेंगे जब आपके पास एटीपी की अवेलेबिलिटी होगी, जबकि दूसरी जो क्लास है हमारे पास उसके अंदर यही चीज है कि हमारे पास उनको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो हमारे पास सिंपली काम कर सकते हैं और वो लाइगेजेस के अलावा बाकी क्लासेस से बिलोंग करते हैं। समरी की तरफ आते हैं तो हमारे पास छह क्लासेस हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफीरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस, आइसोमेरेजेस एंड लाइगेजेस। तो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, ये ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में इन्वॉल्व है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इसके एग्जाम्पल्स हैं। ट्रांसफीरेजेस वो हमारे पास क्लास है जो कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ ग्रुप या अदर देन हाइड्रोजन में इन्वॉल्व है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोलेजेस क्लीव करते हैं बॉन्ड और एडिशन ऑफ वाटर में इन्वॉल्व है। ठीक है, एस्टाइल कोलीन हम इसकी एग्जांपल देख चुके हैं, लाइगेजेस क्लीव करते हैं विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें हम एल्डोलेज की एग्जांपल देख चुके हैं जिसमें हमने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को हमने क्लीव किया था और हमारे पास डायहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट प्लस ग्लाइसराइडहाइड 3 फॉस्फेट की सेंसेस हुई थी। सेकंड लास्ट हमने बात की थी आइसोमेरेजेस की, जिसमें हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर ट्रांसफर हुआ था, मीन भी हमारे पास उनको ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की सेंसेस की गई थी, एपिमेरेजेस या रेसिमेरेजेस की सेंसेस की, इसमें एग्जांपल आ जाती हैं आगे। और लाइगेजेस वो हैं जो कि एटीपी डिपेंडेंट कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व हैं, जैसे एस्टाइल कोए कार्बोक्सिलेज है, ग्लूटामिन सिंथेटेज है और पीआरपी सिंथेटेज है। तो आज का रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है, तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और अब आप लोग क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप